सब, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आपको मिल रही हूँ शाम के 6:10 हो गया है, वो देखिए दिख रहा होगा आपको, 6:10 हो गया है और हस्बैंड का आने का टाइम हो गया ऑफिस से। तो मैं सोच रही हूँ, सुबह आज मैंने बनाया था दाल चावल रोटी सब्जी, चारों चीज़ सुबह मैंने बना दिया था, तो हस्बैंड खा के ऑफिस चले गए थे। और सब्जी में बनाया था आलू की भुजिया और अरहर की दाल, थोड़ी सी उड़द की दाल, मैंने उसमें काली दाल थोड़ी सी मिक्स कर दी थी उड़द की, क्योंकि आज सैटरडे था तो इस वजह से। और अब मैं इस टाइम जा रही हूँ, सोची कुछ नाश्ता बना लूँ, तो मैं जा रही हूँ मलाई सैंडविच बनाने के लिए। तो मैंने थोड़ी सी जरा सी ली है मैंने शिमला मिर्च, एकदम इतनी सी, क्योंकि सिर्फ सैंडविच बनाना, ज़्यादा बनाना नहीं, क्योंकि रात में फिर खाना भी खाना रहता है, ज़्यादा सैंडविच नहीं बनाना है। और ये आधा टमाटर और ये छोटा सा प्याज, अब मैं इसको बारीक बारीक काट लूँगी और फिर मिलाई में मिक्स करके सैंडविच बना दूँगी। और फिर हस्बैंड भी आने वाले हैं, फिर उसके बाद बनाऊँगी चाय और हम लोग यही शाम का नाश्ता हम लोग का यही हो जाएगा। फिर मैं लगूँगी खाने की तैयारी में, थोड़ा सा गज्जू को पढ़ाऊँगी, फिर खाने की तैयारी में लगूँगी। तो चलिए फटाफट इसको काट लेती हूँ, क्योंकि हस्बैंड भी आने वाले हैं। और फ़ोन को लगा देते अपने छोटू से ट्राइपॉड में, बर्तन मैंने मांझ लिया है, सिर्फ स्टैंड में इसको सजाना है, तो बाद में सजाऊंगी जब तो थोड़ा सा पानी सूख जाएगा बर्तन का। और फ़ोन को सेट कर लेते हैं ट्राइपॉड में और लगते हैं सैंडविच की तैयारी में। तो चलिए पहले फ़ोन को लगा देती हूँ। सैंडविच बनाने के लिए मैंने प्याज टमाटर शिमला मिर्च और एक हरी मिर्च को बारीक बारीक काट लिया है। फिर इसमें मैंने थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर मिलाया है, थोड़ा सा नमक मिलाया है और 2 चम्मच फ्रेश क्रीम मिलाई है। तो मिलाई मैंने पहले ही सुबह साफ और फ्रेश निकाल के रख ली थी सैंडविच के लिए, फिर मिक्स करके और यहाँ ब्रेड में मैंने इसको मिक्सचर को भर दिया है। और फिर तावे पे घी लगा के मैंने सैंडविच को दोनों तरफ से हल्का ब्राउन होने तक सेक लिया। सैंडविच मेरी बन के तैयार हो गई। कैट की स्पेलिंग लिखो। हाँ, वेरी गुड। अब लिखो पैन। वेरी गुड। अब लिखो बैट। बी ए टी बैट। वेरी गुड। अब लिखो कैन। CAN वेरी गुड। अब देखो, अब आपको लिखना है क्या? सुंदर सुंदर राइटिंग लिखना, ठीक। अब लिखो हैन। हैन बेटा, हैन। हैन की स्पेलिंग एच 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 ई एन, हैन, ठीक है, ओके। एच एन। अब लिखो पेट। पेट किसे कहते हैं? जो कुत्ते का पिल्ले, कुत्ते का बच्चा। हाँ, वेरी गुड। हाँ, पेट। हाँ, टी। वेरी गुड। अब लिखो बेड। बेड बी ए डी बेड। वेरी गुड। अब लिखो लेग। ओके, लेग, लेग क्या होता है? एल ए जी एल ए नहीं बेटा, एल। हाँ, ई। हाँ, जी, लेग। वेरी गुड। रेड। आर ई आर ई डी रेड। वेरी गुड। गज्जू को पढ़ाने के बाद अब मैं आ गई सीधे किचन में डिनर की तैयारी करने। तो आज डिनर में बनेगा मटर पनीर की सब्जी, रोटी और चावल। तो सब्जी तो हस्बैंड बना रहे हैं मटर पनीर की, और मैं रोटी सेक लूँगी और साथ ही चावल भी बना लूँगी थोड़ा सा।
हैं पनीर, इसमें भिगोए हैं बादाम सब्जी में डालने के लिए। बादाम या काजू सब्जी में, पनीर की सब्जी में डाल दो तो ग्रेवी और अच्छी बन जाती है, ठीक और स्वादिष्ट बनती है, टेस्टी। ये तड़का जो है पहले से पका के पीसा जाएगा। हस्बैंड अपने स्टाइल में जो है पनीर की सब्जी बना रहे हैं, मटर पनीर की। नान हेलो बोल दो, बोल दो। मेरी कितनी अच्छी किस्मत है कि आपके हाथ के मटर पनीर अभी तक खाने को मिल जाती है। मैंने यहाँ पर चढ़ा दिए चावल, अब थोड़े से बर्तन मांझ के आटा सान के रोटी सेक लूँगी। सब्जी मेरी यहाँ बनी रही है, मुझे कुछ नहीं करना है। गल गया ना, छिलका निकाल है टमाटर का, वो डाला था अदरक ना। चलो यहाँ मोबाइल भी देख रहे हैं हस्बैंड, वीडियो भी देख रहे हैं, खाना भी बना रहे हैं। तो यहाँ सब्जी वाला जो है तड़का निकाल लिया गया है, अब फ्राई होने जा रही है पनीर। यह तड़का, ये जब ठंडा हो जाएगा तब मैं इसको पीसूंगी। मैं होती तो एक साथ पूरा डाल देती, आप इतने तसल्ली से एक एक डाल रहे हैं, औरतें फटाफट काम करती हैं, आदमी तसल्ली से काम करता है। चलो तुम बर्तन मांजो, आप मसाला डाल लेंगे ना खुद से, आपको तो पता ही कौन किस में कौन सा मसाला रखा है। ठीक, पनीर यहाँ पे फ्राई हो गई, यहाँ तेल में मसाला, डायरेक्ट तेल में मसाला डाल दिया इन्होंने, जो अलग स्टाइल में बना रहा है। देखिएगा तो मसाला भुन गया है, वहाँ मेरे बर्तन भी मंज गए हैं, अब मैं इसको पीस दूँ ना, ठंडा हो गया है। इसको चम्मच हटाई तो मोबाइल यहाँ से हटा लीजिए, इधर रख दो फ्रिज के ऊपर। देखिए बारीक हो गया ना, डालिए। चलिए योर टाइम स्टार्ट नाउ, वेरी गुड। पनीर की सब्जी कई लोग कई तरीके से बनाते हैं, पर ये थोड़ा सा इजी तरीका लगता है। मतलब पहले से प्याज टमाटर मिर्चा अदरक वगैरह पहले भून के तब पीस के बनाओ ना जानी, मुझे लगता है ऐसे जल्दी भी बनती है और अच्छी भी बनती है, टेस्टी बनती है। और प्याज वगैरह आप पीस के तब आप पकाई तो उसमें बहुत टाइम लगता है। इसको भी थोड़ा सा वो कर लीजिए, डाला था उसमें प्याज तड़के में डाला था, प्याज जब भून रहे थे तब बस ना, कम होगा तो डल जाए, थोड़ा ज्यादा हो जाए। मलाई डाला, यहाँ मसाला पक गया है, सब्जी में पानी भी डल गया, पनीर भी डाल दिया गया, मटर भी डाल दिया गया है। क्या चाहिए आपको, मलाई? फ्रिज में से निकालिए, मेरा आटे वाला हाथ है। मैं सानने जा रही हूँ यहाँ पे आटा। हाँ पानी ठीक है, जो चलाई तो बस ठीक है, बहुत पतली नहीं, अच्छी नहीं लगेगी। हो जाएगा इतनी मलाई में, ले लीजिए। अभी शाम को ही निकाला, फ्रेश मलाई है एकदम। सैंडविच बनाना था ना तो मलाई साफ ही एकदम ऊपर से निकाल दी थी। मैंने सोचा भूख लगी होगी आपको, ब्रेड रखी तो मैंने सैंडविच बना दी।
खुल जाएगी ना। हो गया बेटा सब्जी, पापा बना रहे हैं। पापा के हाथ की सब्जी पसंद है ना आपको? खुशबू वाली है। गज्जू को देखो कितनी खुशबू आई है। पगलू, मम्मा के हाथ की सब्जी नहीं अच्छी लगती? अच्छी लगती है, दोनों के हाथ की सब्जी अच्छी लगती है। पापा ज्यादा अच्छी बनाते हैं ना गज्जू? दोनों अच्छा बनाते हो। चलो ओके, चलो बैठो बस, मम्मा रोटी सेकने जा रही। हो गया क्या है? चलिए सब्जी तो हमारी तैयार हो गई, बस थोड़ा सा 10 मिनट में सब्जी बन जाएगी। अब मैं जा रही आटा सानने। तो जी सब्जी इन्होंने छोक दिए और मैंने चावल भी चढ़ा दिया है, चावल मेरा बन गया है और रोटी मैं बनाने जा रही हूँ, आटा सान रही हूँ। तो आज का ब्लॉग करते हैं हम लोग यहीं पे एंड और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, अपना ख्याल रखिए और आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए। आपको कुछ बोलना है? मेरी देवी जी का जो चैनल है उसको जो है सब्सक्राइब करिए आप लोग, और आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, आप लोग भी डिनर करिए, अब हम लोग भी जाएंगे डिनर करेंगे। बाय।